पाकिस्तान का तो भगवान ही मालिक है, लेकिन चीन भगवान और प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करके बड़ी खुराफात करने में लगा है। ड्रैगन का नया प्रयोग बहुत खतरनाक है, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। बीजिंग के नए करतूत ये खतरे की घंटी है। दरअसल चीन जेनेटिक छेड़छाड़ करके अपने सैनिकों को सुपर पावर बनाने की कोशिशें कर रहा है। हैरान करने वाली खबर जो अमेरिका से भी है। अमेरिका एक ऐसे चमत्कारी गोली बना रहा है जिसके उसके सैनिक हमेशा जवान बने रहेंगे। क्या है ये दोनों खबरें, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ड्रैगन की नई खुराफा, चीनी सेना के डीएनए से छेड़छाड़। चीन की नई चाल से मची खलबली। पीएलए को जिनपिंग बनाएंगे महाशक्तिशाली। अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। चीन कर रहा जेनेटिक डेटा की चोरी। चीन से जो खबर आई है वो होश उड़ाने वाली। भारत ही नहीं, अमेरिका के लिए भी चीन की नई खुराफात खतरे की घंटी है। चीन अपने सैनिकों को दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहता है। चीन अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बनाने के लिए पीएलए के जवानों के ऊपर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। चीन की नई चाल के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल चीन अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बनाने के लिए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिन चीनी सैनिकों के ऊपर ये प्रयोग किए गए हैं उनमें से अधिकतर भारत से लगी सीमा पर तैनात हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप जीन रिसर्च प्रोग्राम चला रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस जीन रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है। चीनी कंपनी और पीएलए साथ मिलकर सैनिकों के जीन में बदलाव कर रहे हैं। चीन इससे आर्थिक और सैन्य लाभ हासिल करना चाहता है। बीजीआई ग्रुप ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात चीनी सैनिकों की हिफाजत के लिए जीन और दवाओं को लेकर विस्तार से स्टडी किया है। चीन का ये जीन रिसर्च प्रोग्राम भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अगर अपने प्रयोग में कामयाब हो गया तो लद्दाख जैसे बहुत ऊंचाई पर सैनिकों की तैनाती के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस और सुनने की क्षमता को खोने जैसी बीमारियों से उन्हें राहत मिलेगी। पिछले एक साल से लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन ने अपने सैनिकों को लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनात कर रखा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीनी सैनिक ऊंचाई पर तैनाती के दौरान ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। अगर चीन इस प्रयोग में सफल हो जाता है तो उसके सैनिक ज्यादा समय तक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रह सकेंगे। अब चीन की एक और चाल को समझिए। दरअसल चीन एक साथ कई खुराफात कर रहा है। तंग करने वाली खबर ये भी है कि चीन दुनिया भर के कई देशों की गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन भी कर रहा है। चीन की बीजीआई ग्रुप का कहना है कि वो कम से कम 52 देशों में बेचे जाने वाले प्रसव पूर्व परीक्षणों से बचे हुए खून के नमूनों और आनुवंशिक डेटा को इकट्ठा कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।